पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राशिद अल्वी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। ओवैसी वो जुबान बोलते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलती है। योगी आदित्यनाथ ने भी अभी बयान दिया था कि ओवैसी देश के बड़े नेता हैं। राशिद अल्वी ने हमला बोलते हुए कहा कि एक ही समुदाय को ओवैसी के साथ चला जाए, दूसरा समुदाय योगी के साथ चला जाए, क्या मतलब है इसका? दोनों मिले हुए हैं, एक दूसरे की जवान बोलते हैं। उन्होंने कहा कि जब जब चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सिर्फ उद्घाटन करने का काम करते हैं, रिबन काटने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने क्या अपने वादे पूरे किए हैं? 15 लाख रुपए दे दिए उन्होंने। कोविड के जमाने में आपने देखा कि क्या देश की कितनी बुरी हालत है। आज दुनिया के अंदर भारत की स्थिति खराब हो गई। विधानसभा मुरादाबाद महानगर कांग्रेस कमेटी मुरादाबाद द्वारा IMA हॉल कलेक्ट्रेट परिसर में एक प्रतिज्ञा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से राशिद अल्वी पूर्व राज्यसभा सांसद उपस्थित रहे। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कांग्रेस पार्टी की नीतियों से अवगत कराया। सभा की अध्यक्षता वरिष्ठ कांग्रेस नेता शकील सरवर हाशमी ने की और संचालन महानगर अध्यक्ष अनुभव मेहरोत्रा ने किया। सभा को संबोधित करते हुए राशिद अल्वी ने कहा कि राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने टिकटों के लिए महिलाओं को 40% भागीदारी, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी, सालाना 3 गैस सिलेंडर और महिलाओं को फ्री बस यात्रा देने की घोषणा की है। देखिए, राजनीति और इलेक्शन हिंदू मुसलमान की बुनियाद पे नहीं लड़ा जा सकता है। अवैसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, वो जबान बोलते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलती है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी ने अभी एक बयान दिया था कि अवैसी देश के बड़े नेता हैं, लेकिन एक समुदाय को पोलराइज करना चाहते हैं तो दूसरा समुदाय तो खुद ब खुद पोलराइज हो जाएगा। क्या मतलब है इस बयान का? इस बयान का यही मतलब है कि एक समुदाय अवैसी के साथ चला जाए, दूसरा समुदाय योगी के साथ चला जाए। दोनों मिले हुए हैं और एक दूसरे की जबान बोलते हैं, एक दूसरे को ताकत पहुंचाते हैं। आज प्रियंका गांधी ने काशी का एक कॉरिडोर दिया है भाजपा सरकार ने। प्रियंका गांधी भाजपा सरकार ने कॉरिडोर दिया है काशी में कांग्रेस सहित के साथ। उन्होंने कोई ऐसे हिंदू कोई ऐसे कार्य नहीं कराए, क्या कहेंगे? क्या मैं नहीं समझा आपका सवाल? काशी में जो है कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है अभी। जब जब चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सिर्फ उद्घाटन करने का काम करते हैं, रिबन काटने का काम करते हैं। क्या प्रधानमंत्री ने अपने सारे वादे पूरे कर लिए? पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।